नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं हूं रमन मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास, भारतीय आपका संविधान में इस समय जो है लेकर चल रहा था, उसी सीरीज में मैं फिर आगे क्रम बढ़ा रहा हूं। बीच में आपकी इतिहास की कुछ कक्षाएं आपको मिली होंगी। तो तीन दिन बेसिकली आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो है ये रहेगा, खासकर आपका संविधान का, और उसके बाद जो है बृहस्पति, शुक्र और शनि में आपको इतिहास की कक्षाएं मिलेंगी। जीएस में दो सब्जेक्ट अभी चल रही, ये दोनों समाप्त होने के बाद फिर आगे जो है किसी सब्जेक्ट पर हम लोग बढ़ेंगे। साथ ही साथ जो आपकी उसमें मैंने बताया ही है कि ग्राम विकास की जो कक्षाएं होती हैं, अब सोमवार, मंगलवार, बुधवार रात को 10 बजे लाइव एमसीक्यू चलेगा, ठीक है। 500+ क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, और जो आपका बृहस्पति, शुक्र और शनि है उसमें हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि डिटेल क्लासेस को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो आज मैं पॉलिटी के संदर्भ में आगे बढ़ रहा हूं, और आगे हमें शुरुआत करना है। आज जो है हमने सब कुछ, बहुत सारी चीजों को, इससे पहले लगभग 6 लेक्चर आपके हो चुके हैं, उसमें सारी चीजों को हमने कवर कर लिया है कि भारतीय संविधान आपका है क्या, भारतीय राज व्यवस्था क्या होती है, विश्व के संदर्भ में हमने पढ़ लिया है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी कैसे, फॉर्मेशन कैसे रहा, क्या क्या बैठकें रही, कैसे कैसे उसका संचालन हुआ, ठीक है, उन सभी के बारे में बहुत विधिवत परिचर्चा हमने कर ली है। तो आज हमें पढ़ना है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। प्रस्तावना आखिर आप सभी लोग जानते हैं, ये जितने भी कोर्सेज इस समय चल रहे हैं वह सब आपके 10+ कोर्सेज के अंतर्गत हम लोग आपको उपलब्ध करवा रहे हैं सारी सामग्री, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोग, जितने भी लोग हैं जिनको आप ये लगता है कि हाँ हमें सारे नोट्स, जितनी क्लासेज हो रही उन सभी क्लासेस की नोट्स चाहिए, भैया आप 3 महीने के लिए, ठीक है ना, तो इतनी बड़ी रकम है आपके लिए कि आप इसको अदा नहीं कर सकते हो 3 महीने के लिए 499, ठीक है। 1 महीने में 150 रुपए आपको देना है, और यहां पर आपको लगभग 1 महीने में 150 पीडीएफ भी मिलनी है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट सही जगह करिए जहां से कुछ फायदा हो, यानी 150 रुपए आपको 1 महीने के लिए देना है। अगर इतनी चीजें संभव नहीं है तो आप समझदार हैं, वीडियोज आप सभी के लिए उपलब्ध है भैया, फ्री निःशुल्क एकदम, ठीक है। वीडियोज देखिए, लाभ उठाइए, बाकी पीडीएफ अगर किसी भी क्लास की लेनी है, आपको ग्रामीण विकास की चाहिए, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं हिंदी की चाहिए, तो सभी के लिए आप ले लीजिए, सभी का आपको सब कुछ पीडीएफ उसी में मिलती रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत व्यापक तौर पर। सबसे पहले हम समझते हैं कि विश्व में क्या ये जो आपकी उद्देशिका है या प्रस्तावना है, क्या सबसे पहले भारतीय संविधान में ही शामिल की गई, या विश्व में कहीं और भी दिखा था, इसके पीछे हमें जो है रीजन मिला, कारण मिला कि अच्छा उस देश ने ऐसा किया था तो हम भी ऐसा करेंगे। देखो भैया, जब हम प्रीएम्बल की बात करते हैं, उद्देशिका की बात करते हैं कि हमारे संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, हमारे उन लोगों ने जिन्होंने मिलकर संविधान बनाया था, उनकी सोच, उनकी आदर्श, उनका जुनून एक तरीके से, कि भारत को किस तौर पर विश्व के सामने हम पेश करेंगे, वह सब कुछ दिखाती है हमारी उद्देशिका, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखें, सर्वप्रथम अगर मैं विश्व की बात करूं तो विश्व में प्रस्तावना को संविधान में अमेरिका ने शामिल किया था। अमेरिका वह देश है जिसने सबसे पहले अपने संविधान में, अपने देश के संविधान में प्रीएम्बल को तरजीह दी, ठीक है। दूसरी बात, प्रस्तावना संविधान की भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय कहलाती है, ठीक है। जब किसी किताब को आप खोलते हैं तो सबसे पहले किताब के बारे में 2-4 शब्द लिखे रहते हैं, 2 शब्द लिखे रहते हैं, उन्हीं को आपको पढ़ना होता है, वो बताते हैं सब कुछ कि इस किताब में किन किन बातों का वर्णन किया गया है। तो वही चीज भारतीय संविधान के सबसे पहले पृष्ठ के तौर पर आपको जो है प्रस्तावना मिलेगी। प्रस्तावना बताती है कि इस संविधान में किन किन चीजों को, किन किन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश की गई है। दूसरी बात, भारतीय संविधान की जो यह प्रस्तावना रही, यह प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई। किसके द्वारा पूछता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई, तथा संविधान सभा की तीसरी बैठक किस दिन थी, 13 दिसंबर 1946 को, उस दिन यह संविधान सभा में प्रस्तुत की गई, ठीक है। तो यह पूछता है किस दिन तैयार जो है, किसके द्वारा तैयार की गई, किस दिन प्रस्तुत की गई, और किस दिन इसको क्या मिला, संविधान सभा ने इसको अंगीकृत किया। तो वह बात है
संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को, किस दिन 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। क्या उद्देशिका जैसी दिखती है ऐसी थी शुरुआत में? नहीं भैया, ये सब बहुत ड्राफ्ट जो है कार्ड छांट के सारी चीजों को तैयार किया गया है। पहले उद्देशिका में जैसे आपके पॉइंट वाइज मेंशन था कि ये करना ये करना ये करना ये करना, पूरी चीजें लिखी हुई थी। इसको बहुत अच्छे से तैयार किया गया, ठीक है, जो संविधान सभा के आपके संवैधानिक प्रारूप जो है प्रारूपकार थे, जिनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था डॉक्टर वी एन राव, उन्होंने इस उद्देशिका को तैयार किया था। तो इन्हीं सारे तथ्यों के बारे में अच्छे से समझते हैं, ध्यान दें। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव ने उपयुक्त आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया प्रस्तावना को बनाकर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की रूपरेखा ऐसी ऐसी होनी चाहिए। उन सभी पर कार्य किया किसने? संवैधानिक सलाहकार बी एन राव ने। और इन सभी आधारों को देखते हुए एक ड्राफ्ट तैयार किया कि भारतीय संविधान की प्रीएम्बल क्या होगी, कैसी होगी। प्रारूप समिति ने इस प्रारूप पर विचार किया तथा आवश्यक संशोधन करके संविधान सभा के कार्यों के आखिरी चरण में इसको पारित किया प्रस्तावना को। जब सभी अन्य अधिनियम जो है उपबंध अधिनियमित किए जा चुके थे, यानी भारत का राष्ट्रीय झंडा आ चुका था, राष्ट्रीय गीत आ गया, राष्ट्रीय गान आ गया, सब कुछ जब आ चुका था, उसके पश्चात प्रस्तावना को अलग से पारित किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। यह कई बार पूछा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई, तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्या बोला? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बोला है। प्रस्तावना के संबंध में बहुत सारे विधि विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। इन राय पर संबंधित सवाल हमेशा पूछा है और हमेशा पूछेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बैठने जा रहे हो तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे तो है नहीं दुनिया भर के, कुछ लिमिटेड हैं, तो प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चंस को खासकर आपको पॉइंट वाइज नोट कर लेना है कि कहां पर किसने विश्व के किस विधि विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या नाम दिया है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, के एम मुंशी की बात अगर हम करें तो के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, ठीक है, यह भी सवाल कई बार आया है। सुभाष कश्यप, ठीक है, जिनकी किताब आप पढ़ते हैं, इनके अनुसार संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधार शिला है तो संविधान उस पर खड़ी एक अट्टालिका यानी भवन है, समझे। तो प्रस्तावना की महत्ता को आप बड़े बड़े विशेषज्ञों के द्वारा परिभाषित की गई टिप्पणियों को देख सकते हैं कि प्रस्तावना क्या अहमियत रखता है। अगर हम बात करें आप प्रस्तावना की कि भारत की प्रस्तावना आखिर है क्या, तो हमारी प्रस्तावना आपके सामने दिख रही है कि हम भारत के लोग, प्रस्तावना कहां से प्रारंभ होती है, हम भारत के लोग भारत को एक क्या बनाना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। इन शब्दों का क्रम पूछता है कि कौन सा क्रम आपका कैसे आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। भारत को क्या बनाना है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, क्या समस्त नागरिकों को, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय। यह पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, तो तीन प्रकार के न्याय की बात कही गई है संविधान में, कौन सा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। उसके बाद विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी संविधान में पांच प्रकार की आपकी स्वतंत्रता की बात की गई है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इस पर भी सवाल पूछता है कि संविधान में कितने तरह की जो है स्वतंत्रता की बात है, तो संविधान में पांच तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है, किसमें, प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में। और क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त, कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता सभी को प्राप्त कराना है। सभी को प्राप्त कराने के लिए उन सब में क्या, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, पूछता है कि संविधान में कितने तरीके की बंधुता की बात कही गई है। उसके बाद
इनको बढ़ाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी यानी इस दिन संविधान सभा में इसको क्या किया गया, अंगीकृत किया गया मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2600 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह संविधान सभा इस प्रस्तावना में जितनी चीजें आपको दिखी है इन सभी से सवाल पूछता है, ठीक है। पहली चीज तो जो मैंने लिखी इनका क्रम पूछता है कि किस क्रम में आते हैं, पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार, ठीक है। इन सभी से सवाल पूछता है क्या यह प्रस्तावना जब तैयार हुई तो ऐसी थी, यह भी सवाल पूछता है कि यह प्रस्तावना क्या तैयार जब की गई तो ऐसी थी, बिल्कुल ऐसी नहीं थी, इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं, कुछ संशोधन हुए हैं। अब यह बात उठती है कि आखिर हमने संविधान की प्रस्तावना में भी जब संशोधन की क्या जरूरत पड़ गई जब इसकी महत्ता इतनी ज्यादा नहीं होती। ध्यान दे भैया, कुछ और तथ्यों पर हम बात कर लें। इन्हीं सारे आपके जवाबों के लिए सवाल भी पूछा है जो आपके मन में आशंकाएं उठ रही हैं। ध्यान दें, जो प्रस्तावना की प्रकृति है, नेचर है, ठीक है, यह न्यायोचित नहीं है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि जैसा भारत दिख रहा ऐसा भारत क्यों नहीं है, ठीक है, इसके लिए आप कहीं पर वाद नहीं दायर कर सकते हो। दूसरी बात, प्रस्तावना में संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के अधीन ही हो सकता, और कोई भी इसमें कारण नहीं चल सकते जिनके द्वारा हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कोई बदलाव कर सके। तीसरी बात भैया, यह भी सवाल पूछता है कि प्रस्तावना में अब तक क्या जो है कितने बार संशोधन हुए, अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार बैलिशामे संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में 3 जनवरी जो 1977 से आपका प्रभावी होता है संशोधित किया गया। इसके पहले पैरा में 2 शब्द जोड़े गए, कौन कौन सा, समाजवादी और दूसरा रहा पंथ निरपेक्ष, ठीक है, यौम छठे पैरा में अखंडता शब्द शामिल किया गया, तो 3 शब्दों को इसमें जोड़ा गया था। प्रस्तावना की मूल तत्व क्या है, मूल तत्वों में अगर देखें, ठीक है, कि प्रस्तावना में कौन कौन से आपके मूल तत्व देखने को मिलते हैं, क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रस्तावना में सबसे बड़ी चीज जो शामिल है ना, पूछता है कि भारत में सर्वोच्च क्या है, सवाल लाता है कि भारत में सर्वोच्च क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है, संविधान है, संसद है, केंद्र सरकार है या भारत के लोग हैं। क्योंकि हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, यानी हम भारत के लोग, तो संविधान के शक्ति का स्रोत यहां पर सबसे पहले हमें पता चलता है, वह स्रोत क्या है कि प्रस्तावना में उल्लेखित है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, यानी संविधान को शक्ति किसने दी, भारत के लोगों ने दी है, इसलिए सर्वोच्च कौन है, जनता है, ना कि संविधान है। भारत में सर्वोच्च कौन है, भारत की जनता सर्वोच्च है, भारत का संविधान नहीं, क्योंकि संविधान को जो आपकी पावर दी गई है, शक्ति दी गई है, वह भारत की जनता ने दी है, ठीक है, समझ गए। दूसरी बात भैया, भारत की प्रकृति हमें पता चलती है किससे, जब आप पढ़ोगे भारत की प्रस्तावना को तो भारत की प्रस्तावना भारत को एक जो है परिचय देती है, भारत का क्या बोलती है, भारत की प्रस्तावना भारत को बोलती है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणराज्य व्यवस्था वाला देश है भारत, ठीक है। हमारी प्रस्तावना हमारे देश के बारे में बताती है कि भारत है क्या। दूसरी बात, संविधान के उद्देश्य इसमें दिखते हैं कि हम भारत के लोगों को न्याय दिलाएंगे, वह न्याय किस तरीके के होंगे, हम भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिलाएंगे, हम भारत के लोगों में बंधुता बनाएंगे, यानी संविधान के उद्देश्य का स्पष्ट रूप से अगर आपको झलक देखना है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ डालिए। लागू होने की तिथि यहां 26 नवंबर 1949 भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अब बात आती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जब इतनी चीजें हैं तो जाहिर सी बात है इसमें संशोधन भी किया गया, ठीक है। भारत की प्रस्तावना ने ही यह बोला कि संविधान बड़ा नहीं है, तो संविधान जब बड़ा नहीं है, जिसने जो है संविधान में ही हर एक अलग अलग आपकी संस्थाओं को पावर दी गई है, शक्ति दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट जैसे आपके हाई कोर्ट जैसे सारी व्यवस्थाएं हैं, न्यायाधिकरण हैं,
वहां पर इसे संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कई विभिन्न आपके वाद दायर हुए, केस दायर हुए, उन सारे मामलों को भी आपसे सवाल पूछता है। तो ध्यान दीजिए, मैंने प्रस्तावना से जुड़े सारे विभिन्न जो आपके वाद रहे इन सभी को लिख रखा है कि किस वाद में कौन सा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है, जिससे कि संभावना जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में या भारतीय संविधान में कुछ परिवर्तन देखता है। सबसे पहला जो वाद रहा वह बात है जब आपका संविधान लागू हुआ उसके कुछ दिन बाद, यह था बेरुबारी संघ का मामला 1960 का। क्योंकि जब आप संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ते हो, अनुच्छेद 3 पढ़ते हो, तो उसमें यह है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, किसी राज्य को अलग होने की आजादी नहीं। और 3 अनुच्छेद कहता है कि संसद को यह पावर है कि वह किसी राज्य क्षेत्र को क्या कर सकती है, भारतीय क्षेत्र में शामिल कर सकती, ये सब कर सकती। तो इन्हीं सब में यह बात आई कि संसद को जब इतनी पावर है तो संसद क्या किसी भूमि को किसी विदेशी देश जो है देश को सौंप सकती है, विदेशी सत्ता को सौंप सकती है। अगर संसद इतनी पावर है, फुल है, तो संसद किसी राज्य को किसी दूसरे देश को दे दे। इन्हीं प्रश्नों के जवाब पर चूंकि हमारा पाकिस्तान के साथ कुछ सीमा विवाद ऐसा चल रहा था जिसमें ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती, क्योंकि सीमा का निर्धारण अगर सही ढंग से, एक तो अभी आज तक कुछ फाइनल नहीं हो पाया है, ठीक है, तो इसमें चीजें क्या बढ़ी कि उन सारे क्षेत्रों में पाकिस्तान को लेकर हमारा विवाद था। तो अगर यह चीजें स्पष्ट हो जाती कि भारतीय संसद को इतनी पावर है कि भारतीय संसद कुछ क्षेत्र अपने किसी दूसरे विदेशी सत्ता को दे सकती है, तो यह मामला हमारा निपट जाता। तो इसी को लेकर के एक वाद दायर हुआ, यहां उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। यहां पर चीजें मैं इस प्रस्तावना को लेकर भी बता रहा हूं और इस केस से लेकर भी, दोनों चीजों बता रहा हूं, क्योंकि इस केस के बारे में बहुत अलग अलग जगह भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, भाग एक में भी इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्रस्तावना के संदर्भ में क्या बोला था, प्रस्तावना के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो प्रस्तावना है या संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो बेरुबारी संघ में प्रस्तावना पर क्या जवाब आया, क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा केस एक आता है 1967 में, गोलकनाथ जो है वाद रहा। गोलकनाथ वाद में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट है, यानी समझ में ना आए कि ये कह क्या रही है, वहां पर उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं कि प्रस्तावना से उनकी बातों को हम समझें। अगला बहुत चर्चित केस रहा, केशवानंद भारती वाद है, ये केरल राज्य के खिलाफ है। केशवानंद अभी भी चीजें मौजूद है, ठीक है, ये एक मठ के आपके क्या है, पुजारी है, मठ के उस समय महंत थे, ठीक है, केरल में एक एरुनाडी के करीब मठ पड़ता है, ठीक है। तो उसमें मठ की जमीन जो है चली गई थी किसको, मठ की जमीन जो है गवर्नमेंट उस समय कुछ परिवर्तन की थी, तो वहीं से सारी चीजें आई थी, तो उन पर मुकदमा जो है दायर हुआ था, उन्होंने मुकदमा दायर किया था। तो हालांकि उसमें जो निर्णय वो चीजें रही वो तो आएंगी ही आएंगी, यहां पर चीजें जैसे मौलिक अधिकार वाला जो चीजें रही वो वहीं से बहुत जोर मिला था इन्हीं से। इसमें क्या बात आई थी सुप्रीम कोर्ट की, इसको लेकर टिप्पणी किया थी, सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी वाद में दिए गए स्वयं के निर्णय को परिवर्तित किया। उसमें क्या बोला था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, यहां बोलती है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है। तो यह सवाल पूछता है अधिकतर, जितनी चीजें जिस भाषा में लिखी है उनसे सवाल आए हैं। अगला एक मुद्दा आता है रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद का, 1993 का मुद्दा रहा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि प्रस्तावना जो है यह शक्ति का स्रोत नहीं है, यानी प्रस्तावना से किसी को भी पावर नहीं दी जाती, अनुच्छेद ही विधि की शक्ति के स्रोत है। यानी जिस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो वह अनुच्छेद ही क्या करते हैं, कानून के स्रोत होते हैं। जो नया कानून बनेगा उसके स्रोत कौन है, अनुच्छेद है, प्रस्तावना नहीं है, समझे। आगे बढ़ते हैं, संविधान के द्विअर्थी उपबंधों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना को जरूरी बताया था, किसमें, रघुनाथ राव बनाम भारतीय संघवाद में 1993 में। अगला एक केस आता है एसआर बॉम्बई वाद, जो 1994 का वाद है। इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, सरकार को, सरकार का जो प्रजातांत्रिक स्वरूप है, संघीय संरचना है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता है,
पंथ निरपेक्षता है, समाजवादी स्वरूप है, सामाजिक न्याय है, न्याय पुनर्विलोकन है, इसमें मौलिक संरचना है। यानी इसी को क्या एक तरीके से बोला, यहां पर कुछ मुद्दों को उठाया और वो थ्योरी क्या आई कि यह थ्योरी एक तरीके से मौलिक संरचना में आती है, संविधान में जितने इंस्टीट्यूशन दिए, जो जो पावर दी गई उनमें यह मुख्य आपके योगदान के तौर पर आते हैं। हालांकि 1973 वाली भी बात है, वहां भी आपको बेसिक जो है स्ट्रक्चर थ्योरी आ चुकी थी, उसके बारे में भी परचर्चा हो जाएगी। अगली चीज बोला कि LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में है, इसमें भी प्रस्तावना के लेकर जो कोर्ट का आदेश था वह बोला कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर बढ़ते हैं भैया। सबसे पहली चीज यह आती है कि आप बार बार पढ़ते हो जो मतलब हमने किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, संवैधानिक संशोधन किया, इसमें जो यह शब्द आया भारत को पंथ निरपेक्ष बोला गया, तो पंथ और धर्म निरपेक्ष में फर्क होता है। पंथ निरपेक्ष कुछ और है, धर्म निरपेक्ष कुछ और है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत, चूंकि देखो भारत से जब आपका पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान ने अपने आप को मुस्लिम कंट्री घोषित किया, बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, वह राष्ट्र जो हमसे ही अलग हुए हैं वो अपने आप को मुस्लिम कंट्री घोषित कर चुके। भारत ने क्या कहा कि हम भारत राज्य का कोई पंथ या मत नहीं होगा, यानी हमारे लिए सर्वधर्म संभाव की जो है कंडीशन रहेगी, हमारे लिए हर एक धर्म बराबर है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज तो पंथ निरपेक्ष में दूसरी बात यह आती है कि उद्देशिका से आपको यह भी ज्ञात होगा कि संविधान किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, यानी भारतीय संविधान आखिर किन किन आदर्शों किन किन मूल्यों की ओर बढ़ रहा, यह सभी जानकारी आपकी प्रस्तावना से स्पष्ट होती है। अगली बात यह है कि गणराज्य शब्द आपको देखने को इसमें पढ़ने को मिला, तो गणराज्य का अर्थ क्या होता है, गणराज्य का अर्थ होता है कि ऐसा राज्य जहां शून्य से शिखर तक, जीरो से लेकर सबसे ऊंची चोटी तक सभी पद पर सभी नागरिकों द्वारा प्राप्त किए जा सकते, वह राज्य आपका गणराज्य कहलाता है। यानी हम राष्ट्रपति भी बन सकते और हम ग्राम प्रधान भी बन सकते हैं, हम गांव के एक BDC भी बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे जीरो से लेकर सबसे टॉप मोस्ट की पोस्ट तक अगर किसी देश का नागरिक पहुंच सकता है तो वह देश गणराज्य के तौर पर आता। हमारे यहां वंशानुगत शासक नहीं है, हमारे यहां ऐसा नहीं है कि देश का प्रमुख राजा रानी होंगे, नहीं, हमारे देश का प्रमुख चुन के आता है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसीलिए हम एक गणतांत्रिक राष्ट्र है, गणराज्य है। पंथ निरपेक्ष संविधान के आधारिक लक्षणों में से एक है। बंबई बनाम भारत संघ जो 1994 का वाद रहा, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने आधारिक लक्षण घोषित किया था, सामाजिक न्याय मूल अधिकार है। सामाजिक न्याय हमारा क्या है, मूल अधिकार है, समाज में सभी को न्याय मिलना चाहिए। देखो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, ठीक है, नैसर्गिक अधिकार, ये तो फंडामेंटल राइट के दौरान मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ये सभी आपके अलग होते हैं। तो यह मूल अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत आता है सामाजिक न्याय। समाज में सभी को न्याय मिलना चाहिए क्योंकि यह क्या है, मूल अधिकार है, क्योंकि हम जिस समाज की रचना करना चाह रहे हैं उसमें सब बराबर होने चाहिए। अगली बात, आर्थिक न्याय का लक्ष्य क्या है, आर्थिक न्याय का लक्ष्य केवल आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य ही की स्थापना के लिए यहां पर चुना गया है। भारतीय समाजवाद जो है, जो समाजवाद शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, वह मार्क्सवाद और समाजवाद का सम्मिश्रण है, यानी दोनों का मिक्सअप करके हमने निकाला है, जिसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की ओर है। हमारा जो है समाजवाद के स्तर बढ़ रहा गांधीवादी समाजवाद की ओर, समझे। अगली चीज, उद्देशिका में संविधान का दर्शन निहित है, यानी अगर आप संविधान को जानना चाह रहे हो तो उद्देशिका को पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको संविधान की समस्त जानकारियां मिल जाएंगी। अगली बात, प्रस्तावना की प्रमुख बातों को देखते चलिए। बेलिशामे संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मैंने बताया कि तीन प्रमुख शब्दों का इसमें योगदान रहा, संविधान में जोड़े गए, पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है राष्ट्र की अखंडता, ठीक है। यह तीन शब्द जोड़े गए थे, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी लागू नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। उसके बाद प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियां के केंद्र बिंदु अथवा स्रोत कौन है, भारत के लोग ही हैं, ठीक है,
ये पॉइंट कई बार पूछा है, प्रस्तावना के जो लिखित शब्द है वह क्या है? हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता है। तो यह प्रस्तावना से संबंधित आपकी सारी चीजें रही जिनके बारे में हमने परिचर्चा कर ली है। इससे बाहर संविधान की प्रस्तावना से कोई सवाल नहीं पूछता है। आप अगर किसी सबसे छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और या आप सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अब प्रस्तावना में कई चीजें आपकी ऐसी बन जाती हैं जब इसमें तथ्यों को और अच्छा पूछा जाए तो वहां पर इसको जोड़ दिया जाता है गवर्नेंस के साथ। उन सभी मुद्दों को लेकर जैसे जैसे पॉइंट है सभी को मैंने समझा दिया इससे पहले, तो उम्मीद है सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। इसी के साथ फिर मिलूंगा आगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मस्त होकर पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।